तो राइजिंग राजस्थान माइंड स्प्री समिट का आयोजन हो रहा है और ये प्रदेश का सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर है। आज करीब 60,000 करोड़ रुपया के एमओयू किए जा रहे हैं। इस आयोजन में खान विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस मौके पर खान विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत से खास बातचीत के एसोसिएट डायरेक्टर निर्मल तिवाड़ी ने। खनन सेक्टर का आज राइजिंग राजस्थान प्री समिट है और इस पूरे समिट में किस तरह के इन्वेस्ट आने हैं, कौन कौन से इन्वेस्टर्स इसमें आए हैं, इसमें एक अहम भूमिका रही है प्रमुख सचिव टी रविकांत की। रविकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत आपको पहले तो बधाई और शुभकामनाएं जिस तरह से पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कितने एमओयू होने हैं सर, कितने इन्वेस्ट आने हैं और किस किस सेक्टर से हैं? धन्यवाद। ये राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट के इस पे एक प्री समिट माइनिंग सेक्टर के किया जा रहा है आज, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि बन के आ रहे हैं और हमारे खान मंत्री जी भी हैं। और आज लगभग 60,000 करोड़ के एमओयू होने जा रहे हैं बोथ माइंस एंड पेट्रोलियम, और उसके साथ साथ कुछ नॉलेज एमओयूज़ भी है, कुछ आईआईटी मद्रास के साथ और ऑयल इंडिया के साथ भी एमओयू का होने जा रहा है, और भी बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स आए हुए हैं और माइनिंग सेक्टर का काफ़ी अभी अच्छा माहौल बना हुआ है। हमारी प्रयास है कि ये इनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस हो, उस पर हम काम करके उसको आगे बढ़ाएंगे। एक अहम सवाल यही था कि आज चूंकि एमओयूज़ ठीक है पेट्रोलियम सेक्टर में होने हैं, गैस सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में, लेकिन ये जो नॉलेज एमओयू की जो ताना बाना बुना गया, इसका जो ये सोच, इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे ये कि अभी तो माइनिंग सेक्टर बहुत डायनेमिक है, बहुत सारे जो चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी, जैसे कि अभी राजस्थान में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो अभी अपने को करनी है उसके लिए टेक्नोलॉजी इतना अपने पास नहीं है, और दूसरा है कि हमारे पास लिग्नाइट इतने सारे बहुत सारे रिजर्व पड़ा हुआ है, उसकी गैसिफिकेशन की भी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो उन दोनों के लिए हम आईआईटी मद्रास से प्लस ऑयल इंडिया से हम एमओयू कर रहे हैं। फ्यूचर में से कौन से और मिनरल ब्लॉक्स ऑक्शन में आ सकते हैं? लिथियम के चूंकि रिजर्व काफ़ी मिले हैं, उसके अलावा और भी इस तरह के मिनरल्स हैं, कौन कौन से मिनरल्स की एक्सपेक्ट करें कि उनके भी फ्यूचर में उनको ऑक्शन के प्लेटफॉर्म पर लाएंगे और उनको भी करेंगे? अभी तो जैसे कि पता है कि लाइमस्टोन का ज़्यादा चल रहा है, तो उसके अलावा आयरन ओर का भी काफ़ी अभी आने वाले हैं, और बाकी और भी कुछ जो की एलिमेंट्स हैं उसका भी अभी तैयारी चल रही है। तो हमारी आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक्स का वो करेंगे। मेन इवेंट जब इसका होगा दिसंबर में अगले महीने, तब तक और उम्मीद करेंगे कुछ एमओयूज़ और आएंगे? हाँ, माहौल ऐसा बना हुआ कि ज़रूर जो है और लोग और इन्वेस्टर्स आगे आएंगे, हमारी यही आशा है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप हैं टी रविकांत, प्रमुख सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग, और आपका साफ तौर पर कहना है कि इस बार चूंकि मिनरल्स के बहुत सारे ऑप्शंस हुए हैं, लोगों का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और गुड गवर्नेंस की जो डिलीवरी है राज्य सरकार की, फास्ट डिलीवरी, उसी का कारण है कि निवेशकों का भरोसा राजस्थान के प्रति ज़्यादा बना हुआ है। और जब मेन इवेंट होगा राइजिंग राजस्थान का अगले महीने, तो माना जा रहा है कि और भी काफ़ी एमओयूज़ तब तक आएंगे, उनको अप्रूव किया जाएगा और उनके साइन भी किए जाएंगे। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।